मंदिर में किसके, बिहारी जी की फोटो? नहीं, हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पे सूरदास कुटीर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य गगन के सूर्य ब्रज भारती के अमर गायक महात्मा सूरदास का जन्म वैशाख शुल्क 5 संवत 1535 ईस्वी से लेके 1478 ईस्वी में वल्लभगढ़ के निकट सीही में हुआ था। वे लगभग 18 वर्ष तक सीही में रहे। इसके उपरांत मथुरा मंडल में 2 वर्ष तक भ्रमरा करते हुए वे आगरा के निकट रेणुकता क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ यमुना तटवर्ती गो घाट में लगभग 12 वर्ष तक निवास कर विनय के पद गाते रहे। वहीं उन्होंने संवत 1567 में श्री वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की। उनके आदेशानुसार लीला गायन का आरंभ कर गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में वे कीर्तन सेवा करने लगे। गोवर्धन में उनका स्थायी निवास यहीं प्रासोली में था। यहाँ प्राय 73 वर्ष तक निवास कर उन्होंने सूरदास, सूरसागर आदि के रूप में अनगिनत पदों की रचना की। संवत 1640 में 1583 ईस्वी में 105 वर्ष की आयु में गोस्वामी विठल नाथ जी के समक्ष यहीं पर उनका देहावसान हुआ। ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सूरकुटी के जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया। ये परासोल है और यहाँ पे एक ये वृक्ष है। प्रभु जी ये कौन सा वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष था प्रभु जी? हरि बोल। ये यहाँ पे एक पेड़ है जिसमें जिसके नीचे यहाँ पे सूरदास जी बैठते थे और भगवान यहीं पे उनके उनसे मिलने आते थे। और यहाँ पे सूरदास जी का ये बनाया गया है, महात्मा सूरदास समाधि यहाँ पे बनाई गई है। तो बताया यहाँ पे एक महाराज जी ने हमें बताया कि यहाँ पे सूरदास जी ने एक प्रण लिया था कि वो एक 125,000 भजन लिखेंगे, लेकिन वो अपनी लीला में 1,00,000 भजन ही लिख पाए। तो भगवान श्री कृष्ण खुद आए और 25,000 पद जो थे उनके लिए वो लिख के गए खुद, ताकि उनके जो है जो प्रण उन्होंने लिया था उसको पूरा किया जा सके। और यहाँ पे ही एक वल्लभाधीशो जयती करके यहाँ पे एक मंदिर भी है और यहाँ एक चंद्र सरोवर भी है, हम आपको दिखाएंगे अभी। प्रभु जी यहाँ जो चंद्र सरोवर है उसका क्या महात्म्य है? इसका ये है, लाला ने चंदा मांग मैया से, मैया चंदा चाहिए। कृष्ण जी ने माता यशोदा से चंदा मांगा, चंदा मांगो लाला। तो मैया बोली चंदा कहाँ से दूँ, चंदा तो वो तुम छो। बोल नहीं मैया। तो मैया बोली बहू ला दो, बहुना चाहिए चंदा चाहिए। अच्छा। तो फिर वो मैया ने जल में भर के थारी में चंदा दिखाए, लाला ने हाथ मारो थाली चंद सरोवर में गिर गई। अच्छा, इसका पड़ गया चंद सरोवर में, चंद सरोवर पड़ गया इसका नाम। हरि बोल। चलिए आपको चंद सरोवर भी दिखाते हैं। ये माता जी यहाँ पे रहते हैं तो ये हमें प्रसादी जल पिलाने लगे हैं। कदम के पेड़ के नीचे करा था, अब भी है कदम का पेड़, वो बहुत बड़ा है। अच्छा, कदम का पेड़ राज चौथरा के बाजू में अब भी है। यहाँ पे भगवान ने महारास भी किया था जो कि 6 महीने चला था और देवताओं की एक रात में ये पूरा रास हुआ। 108 गोपियों के संग मारा, 16,108 गोपियों में, गोपियों के साथ। ये है चंद्र सरोवर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि मुझे चांद देखना है। तो माता यशोदा ने
एक थाल लिया, उस थाल में भगवान को चांद दिखाया, तो भगवान ने कहा ये कोई चांद है, तो उन्होंने थाली पे हाथ मारा और थाली जो थी वो इस सरोवर में गिरी, तो इसीलिए इस सरोवर का नाम पड़ा चंद्र सरोवर।